सामने धन शंकर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वशव स्वरूप जय श्री राम। सुप्रभात सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा YouTube चैनल मनोज पहाड़ी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मित्रों आज से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा पहला ब्लॉग है जिससे थोड़ा नर्वस फील हो रहा हूँ। अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं 6:45 उठ के मैंने चाय बना के अपनी माता जी को चाय पिला दी और अब जाऊँगा मैं खेत की तरह। एक बगीचा बना रखा मैंने, वो दिखाऊँगा आप लोगों को मेरी मेहनत कितनी रंग लाई है। बगीचे की ओर अपने हथियार उठाते हैं। ये देखिए यहाँ का मौसम, अभी मई जून का महीना है और यहाँ पे हम जैकेट पहन रहे हैं। यही है पहाड़ों का मौसम। ये देखिए कितना हसीन मौसम है, सुबह सुबह का नज़ारा। 6:30 बज रहे भी, बगीचे की ओर जा रहा हूँ मैं। ये हमारी लाली है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग लाली। पहुँच चुका हूँ मैं अपने बगीचे के नज़दीक, देखते हैं आज नया क्या उगाया है। यहाँ तो कल की बोई है मैंने मूली और ये उगाए हैं छोटे छोटे भिंडी, भिंडी के पौधे उगाए। और इधर दिखाता हूँ मैं आपको, ये मूली हो गई, ये बड़ी हो गई मूली। अब आपको ले चलेंगे शिमला मिर्च की ओर। ये है शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च है, मम्मी ने कल लगाई थी। यहाँ पे ये फ्रास भी न हो कुछ। और यहाँ पे मैंने मूली बोई थी, 8-10 दिन हो गए अभी तक उगे नहीं। कोई पता नहीं इनका कब तक उगते हैं, बहुत इंतज़ार करवाते हैं। और इधर भी ये छोटी छोटी भिंडी उगाई है। अरे वाह अच्छी बात है दोस्तों, तो मैंने मेहरू कद्दू वगैरह बोया था, ये देखिए अब उग रहे धीरे धीरे। ये भी उगाए, चलो अच्छी बात है। सुबह सुबह यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे भिंडी के पौधे उग रहे हैं। और इधर ये फ्रास बीन है काफ़ी बड़े, यहाँ पे से तो हमने एक आध दो सब्जी भी तोड़ ली फ्रास बीन की। फ्रास बीन से ये वाली मिर्ची के पौधे फिर से, और इधर फिर शिमला मिर्च है और ये बेल जा रही है, लौकी की बेल है। मौसम देखो कितना ठंडा है, अभी सुबह सुबह ठंड लग रही है, जैकेट पहन के आया हूँ वहाँ पे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है अभी। मित्रों आज मेरा पहला ब्लॉग है और आप लोग शेयर सब्सक्राइबर करके मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। आगे भी ऐसे करता रहूँगा और आपको पहाड़ की वादियों से रूबरू कराता रहूँगा। ये कुलसारी का नज़ारा है, ये भाई जी कोई हल जोत रहे हैं खेत पे और काफ़ी लोगों ने जोत दिया हल, कुछ कुछ रह गया अभी। जो बैलों से हल लगाने वाले हैं वो रह गए, बाकी तो ट्रैक्टर चलता है यहाँ पे कुलसारी में। ट्रैक्टर से लगभग सब ने ही जोत लिया हल। मेरे पीछे देखो ये पिंडर नदी है, पिंडारी ग्लेशियर से होकर आती है पिंडर नदी और आगे जाके अलकनंदा में मिल जाती है और उससे आगे गंगा में मिल जाती है, सॉरी ना गंगा में। ये है पिंडर नदी। ठंड इतनी तेज़ लग रही है, ऐसा लग रहा अभी बारिश हो सकती फिर से। मौसम भी बन रहा है, बादल गिर गए पूरे।
और आज का काम तो बगीचे में कुछ है नहीं, अभी तो पौधे उग रहे हैं, सिंचाई ऊपर से मेघ देवता कर रहे हैं बढ़िया करके। मैं अपने हथियार को रख देता हूँ यहाँ पे, औजारों को रख दिया, और कल देखेंगे, कल कुछ काम होगा। और मित्रों, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है ताकि मुझे आगे भी हिम्मत मिले ऐसी वीडियो बनाने की। अब वापस ही चलते हैं घर को, और मौसम भी अच्छा है, थोड़ा साइकिलिंग कर लेते हैं। और हमारी लाली है यहाँ पे, बहुत दिनों से घूमने नहीं गई, अभी सो रखी है, अभी उठी नहीं है। और ये हमारे घर के बगल की रोड है, ये घर के बिल्कुल बगल पे हमारा पुराना मकान, और ये वाला हमारा मकान यहाँ पे। अब थोड़ा साइकिलिंग करते हैं। ये है दोस्तों कुलसारी बसर गांव का नज़ारा। सामने दिख रहा है ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का ऑफिस और रेजिडेंस है। इनका काम डैम बनाना होता है, बिजली उत्पादन करने वाला। सांस चढ़ी है, साइकिल ये चढ़ाई है ना यहाँ पे, सांस चढ़ी हुई। ये वापस ही फिर उस सारी मार्केट की ओर जाऊँगा, आपको मार्केट से रूबरू कराऊँगा। अभी तो दुकानें खुली नहीं होगी, कुछ कुछ दुकानें खुली होंगी, जैसे आपका होटल हो गया और परचून वाले कोई कोई खुले होंगे, डेली नीड्स वाले। मौसम देखिए आप, कितना गजब का मौसम है, अभी पता ही नहीं लग रहा कि मई जून का महीना होगा, अभी इतनी ठंड लग रही। ये देखिए, ये सारी ऊपर खेती है, ऊपर गांव है, ये नीचे भी खेती है। ये नई मकाने बन रही यहाँ पे, और ये वाला सामने वाला दिखाई दे रहा आपको, ये होटल है यहाँ पे, लॉज रुकने की व्यवस्था है यहाँ पे। ये वाला भी नया बन रहा है हमारा लॉज, भाई लोगों का। ये देखो मार्केट अभी बिल्कुल कम, कुछ कुछ दुकानें होटलें या डेली नीड्स वाली खुली होंगी, बाकी आते 9, 9:30, 10 बजे। खुद मैं भी दुकान वाला हूँ, मैं जाता हूँ 8:30, 9 बजे। ये माँ काली की पावन भूमि पे पहुँच गया आप, माँ काली का मंदिर, बहुत ही सुंदर नज़ारा, पूरा मंदिर दिखाता हूँ भी आपको। ये माँ काली का मंदिर मुलसारी में, यहाँ से भी पिंडर घाटी, पिंडर नदी का सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मंदिर नदी के बिल्कुल नज़दीक पे, और यहाँ पे माता का सुंदर नज़ारा। यहाँ कुलसारी मंदिर में हमारे ताऊ जी हैं यहाँ के पुजारी, श्री कलीराम सती जी, और बाकी इसके बारे में कुछ डिटेल अगले ब्लॉग में देंगे आपको। मित्रों, यहाँ पे काली मंदिर पे काली यंत्र होता है, जो कि रात जात जब आती है 12 साल 14 साल में, तभी खुलता है। ये डेरी नीड्स वाला है, ये खुला है, और ये
चप्पलें खुली हैं और बाकी। हेलो 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 हेलो, ये है हमारा कुलसारी मार्केट। हेलो 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 हेलो, ये है दोस्तों कुलसारी मार्केट का नज़ारा। और ये नई पुल बन रही यहाँ पे, अभी गाड़ी जाने का नहीं बना इन्होंने इधर से, ये दीवार नहीं हुई, लेकिन पुल बड़ी अच्छी बनी है, खाली हाईवे वाली पुल है ना। और ये टावर है, ये पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ मैं, लेकिन काम नहीं करता अभी तक नहीं। इसमें पता नहीं क्या विवाद हो रहा है, BSNL वालों ने लगाया था ये। और ये पुल के पार भी कुछ दुकानें हैं, ये देखिए आप, यहाँ पे कुलसारी मार्केट सी बिल्ड होता है। इससे आगे फिर इंटर कॉलेज है और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वो कभी और दिखाऊंगा आपको। वापस अब घर की ओर चलते हैं, बहुत तेज़ ठंड लग रही है यहाँ पे। ये हमारे प्रेरणा ट्रेडर्स के मालिक भूपेश पुरोहित जी, ये मियां समीम अहमद जी मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। बस पहुंचने वाला हूँ घर पे, ठंड लग रही, कंबल के अंदर चला जाऊंगा फिर। पहुंच चुका हूँ दोस्तों घर पे, आपके सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है, प्यार की बहुत बहुत जरूरत है, आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। आप प्लीज़ आप अपना साथ दें, सपोर्ट दें और ढेर सारा प्यार दें, ताकि अभी वीडियो बनाऊंगा। घर पे पहुंच गया, आज की ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूं। पहला ब्लॉग था, इसमें जो भी गलतियां हुई होंगी माफ़ी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।